हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल निर्वाल फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप से बहुत बढ़िया होंगे। तो जी आज है सैटरडे, तो आज हमारी जो है सेकंड सैटरडे की छुट्टी है। तो आज बच्चे और मैं हैं घर पर और इनके पापा गए ड्यूटी पर। तो सुबह सुबह इन्हें जो है मैंने चाय नाश्ता करा दिया है। बच्चों को तो खैर मैंने शेक बना के पिलाया, आज जो है मैंगो शेक बना के पिलाया इन बच्चों को। तो अब जो है इन्हें खिला पिला के अब जाएंगे हम छत पर, क्योंकि आज मौसम बढ़िया हो रहा है। तो हल्की हल्की सी धूप है और ऐसे थोड़ी घटा हो रही है। तो आज जो है सुबह का समय है तो फ्री हूँ, तो पौधों को जाकर देखती हूँ, उनमें पानी वगैरह देते हैं और देखते हैं कि कैसे बढ़िया बढ़िया फूल खिले हुए हैं। मैं चिंटू अब दोनों चल रहे हैं छत पर। चिंटू चले भाई छत पर। हाँ चलो, पौधों में पानी दे के आएंगे। ये आ गए हम छत पर, फूल खिले हुए हैं छत पर, काफ़ी अच्छे अच्छे। हल्की हल्की सी धूप आई हुई है और इन्हें पानी दे देते हैं। ये चिंटू ने शुरू कर दिया है पौधों में पानी देना। चिंटू कितने अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं ना, है ना, काफी सुंदर लग रहे हैं। सारी छत पर फूल ही फूल हो रहे हैं। क्या ये नींबू भी पक गए हैं, इसको तोड़ लेती हूँ। ये देखिए पक गया है। मैं भी दे रही हूँ थोड़ा सा पानी, तो मैं भी दे देती हूँ। चिंटू ने भी दे दिया, कहीं कहीं जहाँ चिंटू ने दिया ना, तो वहाँ मैं दे रही हूँ। अब अधिकतर जो है पौधों में पानी दे दिया है, तो अब मैं चिंटू जो है चलेंगे नीचे। चिंटू को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है छत पर, तो अब ये तो खेलने में लग रहा है पौधों में। ये देखिए चले चिंटू नीचे। शाम का समय हो रहा है, 4:15 बजे का समय हो रहा है। तो अब लगती हूँ इनको नाश्ता बना कर देती हूँ, ब्रेड सेक लेती हूँ और चाय बनाती हूँ।
के पीते हैं चाय। चाय तैयार हो गई है, मैंने ला के रख दिया है, तो हम दोनों शाम की चाय का मज़ा लेंगे। नमकीन है, ब्रेड है और चाय है। तो जी आपसे फिर हम मिलेंगे थोड़ी देर बाद चाय पीने के। देखिए जी शाम के 5 बजे में और बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, तो हल्की हल्की बूंदाबांदी सी भी आ रही है और हवा चल रही है काफ़ी अच्छी। तो अब हम छत पर जाएंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ आ गई हूँ मैं अब छत पर, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। चिंटू भी आ गया मेरे पीछे पीछे। देखिए चिंटू भी आ गया ऊपर छत पे। बारिश आनी हो गया शुरू, बादल गरज रहे हैं। देखिए कितनी तेज तेज हवा चलने लग रही है, वो बारिश भी शुरू हो गई है। काफी बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, अच्छा लग रहा है छत पे आके। और थोड़ी देर हम तो छत पे रहेंगे। ये देखिए जी कितने सुंदर सुंदर फूल हो गए हैं। ये वाइट रोज है, ये जो है बाल्टी भरी हुई है पूरी, बहुत सुंदर लग रहे हैं फूल। मुझे तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा बारिश में पी लूँगा क्योंकि काफ़ी बढ़िया मौसम है। ऊपर से आ गए हैं हम, अब ये कपड़े जो धोए थे तो ये ऊपर रखे थे, मैं उठा रहा हूँ, उनकी तय करती हूँ। हम कपड़ों की तय हो गई है, अभी ना रख देती हूँ फटाफट अलमारी में। और अभी तो एक का बोर बना रखा है कपड़े का, इनकी भी तय कर ली है। अभी तो पहले जिन कपड़ों की तय हो गई है अब इनकी भी तय करूंगी, बाकी पहले इन कपड़ों को रख देती हूँ अलमारियों में। मैं सारे कपड़े लेके जाती हूँ नीचे, इनकी नीचे तय कराऊंगी। सब्जी लेने जा रहे हैं हम, सामान लेने आए हैं, जो जो हमें पसंद है सामान की जरूरत है वो ले लिए। तो ये ले लिया है, ये सोया सॉस ले लेती हूँ, चिली विनेगर है, ये सोया सॉस हो गया, ये विनेगर हो गया, ये ले लेती हूँ। ये वैसे
सब्जी मैं जाई हूँ पर मैं दूध लेने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि पहले मैं बाहर का सारा काम खत्म कर लेती हूँ, तो करेंगे हम डिनर की तैयारी। ये दूध लेके आ गई हूँ मैं, बारिश हो रही है, गीली हो गई थोड़ी थोड़ी सी, रख देती हूँ दूध, सारे गीली हो गए। अब लगती हूँ मैं खाने की तैयारी में, तो खाने में आज बच्चों के लिए मैं बनाऊंगी चिली पनीर, तो मैं उस रेसिपी की तैयारी कर लेती हूँ। तो जी नीचे जो है, बेशक बारिश हो रही है हल्की हल्की, लेकिन बच्चे नीचे गली में आए हुए हैं खेलने के लिए, तो चिंटू भी जाएगा और गुड्डू भी गई है, और गली के और बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं छोटे छोटे, तो ये सारे बच्चे मिल के खेल रहे हैं नीचे गली में। अब मैं सारी सब्जी उठा के किचन में ले जाती हूँ और किचन में ही जो है बनाती हूँ। ये पनीर जो है सारा निकाल के धो के इन्हें मैरिनेट करके रखती हूँ, और ये जो टमाटर है इन्हें भी धो के रखती हूँ सारे, ये हरा धनिया है इसे निकाल लूँगी, और ये प्याज और शिमला मिर्च भी लाई हूँ क्योंकि शिमला मिर्च भी डलेगी इस रेसिपी में, तो इन्हें भी धो के काट लेती हूँ। पनीर पन्नी में से निकाल लिया है, अब इसको धो लेती हूँ। तो पहले जो है सारी सब्जियों को धो के और फिर रखती हूँ प्लेट में काट काट के। चिली पनीर बनाने के लिए तैयारी कर लिया, पनीर काट दिया है और ये कैप्सिकम काट दिया, प्याज छील के रख दिया, लहसुन और मिर्ची रख दिया है। तो अब मैं ये पनीर जो है मैरिनेट करूँगी, इसमें सारे नमक मिर्च और कॉर्नफ्लावर ये सारी चीज़ डाल के इसे मैरिनेट करके रख दूँगी इसको 15-20 मिनट के लिए। और इतने में जो है बच्चों के लिए मैंगो शेक की तैयारी कर रखी है, अब उसके उनके लिए शेक बना देती हूँ। ये शेक बन के हो गया तैयार, अब बच्चे नीचे गए हुए खेलने के लिए, उनको बुलाती हूँ और मैं देती हूँ। ये पनीर में अब डाल देते हैं मसाले, नमक डाल दूंगी थोड़ा थोड़ा, थोड़ी रेड चिली डाल देती हूँ, और ये है कॉर्नफ्लावर, तो ये भी डलेगा इसमें तब ये मैरिनेट हो जाएंगे। अब इन्हें रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, पहले इन्हें मिक्स कर देती हूँ अच्छे से, ऊपर नीचे इनकी कवरिंग हो जाएगी, इस पर कोटिंग हो जाएगी, ऐसे हल्के हल्के हाथों से इन्हें हिलाती रहूँगी, फिर मैं इसको रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। सारी तैयारी मैंने अब कर ली है, तो अब मैं गैस ऑन करके चिली पनीर बनाने की शुरुआत करती हूँ। ये पनीर मैरिनेट हो चुके हैं अच्छी तरह से, और इधर मैंने सारी चीज़ें काट दी हैं, प्याज कैप्सिकम और ये लहसुन काट दिया, हरी मिर्ची काट दिया, और ये अदरक भी घिस दी है, और इधर मैंने कॉर्नफ्लावर जो है ये घोल के रख दिया है, और इधर ये चिली सॉस है, और साथ में टमाटो केचप ये रख लिया, ये देखिए बस। अब मैं गैस ऑन करके करती हूँ शुरुआत बनाने की।
ये सारे पनीर के पीस जो मैरिनेट किए थे फ्राई हो गए हैं। अब इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसको निकाल लेती हूँ। सबसे पहले इसमें लहसुन डालूंगी। अदरक डाल दूंगी इसमें। तो ये तेज आंच में ही बनेगी ये वाली डिश, इसको मंदी आंच में नहीं बनाते हैं। अब ओनियन डाल देंगे इसमें। एक एक लेयर करके खोल देते हैं ओनियन की, तब इसमें फ्राई करते हैं। अभी ओनियन थोड़ी थोड़ी जो है फ्राई हो गई है गोल्डन ब्राउन सी। अब इसमें कैप्सिकम डाल दूंगी और हरी मिर्च डाल दूंगी जो काटी थी। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। ये भी इसमें चिली पनीर डाल देते हैं। और ये कॉर्नफ्लावर था इसको भी डाल देती हूँ। अभी थोड़ा सा विनेगर, ये सोया सॉस। और अब ये पनीर के पीस डाल देती हूँ इसी में। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। तो जी ये देखिए अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसको 5-7 मिनट पकाऊंगी और फिर गैस बंद कर दूंगी और फिर हमारा जो है चिली पनीर तैयार हो जाएगा। अब जो है चिली पनीर बनके तैयार हो गया है। अब चिंटू खाता है रोटी, तो उसके लिए मैं आटा गूंद के रोटी बनाने की तैयारी करती हूँ। और बस जब यह रेसिपी तैयार हो जाएगी तब मैं आपको दिखाऊँगी डोने में डाल के। और यदि आपको मेरा व्लॉग आज का पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो लेते हैं आपसे विदा, कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।